बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम अपना फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस। तो मैंने आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई है, उसके बाद मैंने आपको उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया, एंड देन आपको उसकी मल्टीप्लिकेशन की कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाई, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बाय अ होल नंबर, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट होगा पेज नंबर 43 से, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस हो तो उसको हम फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अपना लेक्चर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 43 पे यहाँ पे आए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ऊपर हमने पढ़ा था ना कि अगर फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी करवाई थी। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अगर फ्रैक्शन हमारे पास दो फ्रैक्शन हो, ठीक है, गिवन हो दो फ्रैक्शन, तो हम उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1/2 इंटू 1/3, हाफ ऑफ अ थर्ड एंड 1/3 इंटू 1/2 अ थर्ड ऑफ अ हाफ। देखें अब इसमें ये क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान में ये जो दोनों हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 या 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इनमें क्या डिफरेंस है कि अगर हम पहले हाफ को 1/3 से मल्टीप्लाई करें या फिर पहले 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। अब देखें, चलें इसे सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका बताती हूँ। पहले एडिशन में हमने क्या किया था कि जो ऊपर वाली न्यूमिरेटर में वैल्यूज़ थी उनको ऐड कर देते थे और जो डिनोमिनेटर में थी उनका एलसीएम लेके उनको सेम करके उनको एक ही दफ़ा लिखते थे, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो न्यूमिरेटर की वैल्यूज़ होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 है और ये न्यूमिरेटर में भी 1 है ना दोनों में, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में एक में 3 है एंड सेकेंड में 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ आइए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, कि ये एडिशन की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। कैसे, कि इसमें हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इसमें आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है ना सेम करने की ज़रूरत है, बस जो चीज़ लिखी होती है हम न्यूमिरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उन्होंने हमें फर्स्ट दिया था ना कि 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो 1/2 और 1/3 मल्टीप्लाई करें, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 1 एंड 2/3 इज़ 6, तो ये क्या बन जाएगा 1/6। और 1/6 का मतलब क्या है, अगर इसको आप ग्राफ के ज़रिए शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे, डायग्राम के ज़रिए। टोटल मैंने आपको इतने पिछले लेक्चर में यही समझाती हूँ कि इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है अगर इसको आपने ड्रॉ करना है। जो नीचे की वन होती है डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ का मतलब होता है वो टोटल हमारे पास पार्ट्स है, तो नीचे 6 है ना, तो उन्होंने 6 पार्ट्स ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है न्यूमिनेटर में, इसका मतलब ये होता है कि हमें उतना कलर्ड पोर्शन चाहिए, ठीक है, कलर्ड पोर्शन या जो हम यूज कर रहे होते हैं, तो हमने 1 कलर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में आए, ये लिखा हुआ है 1/3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई तो वैसे ही करेंगे, बेशक आपके पीछे हो गया हो तो हम करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, और 3 को 2 से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा, 3 2 6। देखें अगर हमने पहले 1/2 को रखा बाद में 1/3 को, एंड देन ये इसमें हमने पहले 1/3 को रखा और बाद में 1/2 को रखा, आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो ये जो दोनों ऊपर इन्होंने पूछा था ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आंसर ये होगा कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर आता है, 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर आता है, ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल है और इसका आंसर 1/6 आ रहा है। एग्जांपल्स देखें, 3/4 को 3/5 से मल्टीप्लाई करें, तो सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद ये ड्रॉ करें, ठीक है, तो या फिर आप ड्रॉ करके मल्टीप्लाई कर लें, अपनी मर्जी है, ठीक है। 3/4 का क्या मतलब है कि टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स है और उसको उसमें से हमने 3 को कलर किया है, ठीक है, और 3/5 का मतलब क्या होता है कि टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स है उसमें से हमने 3 को कलर किया, तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये 3/5 इन्होंने सिर्फ आपको ड्रॉ करके बता दिए, यानी कि टोटल हमारे पास 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 और उसमें से हमें 3 को जो है वो क्या किए
गलत करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आप इसी तरह 3/4 के लिए भी ड्रॉ करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब ऊपर मैंने बताया था ना कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। ठीक है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 3 3 9। ठीक है, एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 कितना आता है, 20। शाबाश। तो जो हमारे पास ये ड्रा करेंगे ना डायग्राम, उसमें टोटल कितने होने चाहिए पार्ट्स, नीचे डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, 20। तो आपको 20 पार्ट्स ड्रा करने हैं। ठीक है, ये काउंट करें, 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, और उसमें से कलरिंग पार्ट्स कितने होंगे, 9, ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा होता है। ठीक है, तो उन्होंने 9 पार्ट्स को कलर कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस एग्जांपल की समझ आ गई है आपको, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 44। ठीक है, पेज नंबर 44, इसमें देखें कुछ और एग्जांपल्स गिवन है। पीछे हमने एक एग्जांपल पढ़ी है, 2/5 को मल्टीप्लाई किया 3/5 से। अब तो आपको इजीली समझ आ गई होगी ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अगर आपने पहले इसको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 3 कितना होता है, 6, एंड 5 5 20। तो 2 3 6 5 5 20। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे बॉक्सेस या फिर इक्वल पार्ट्स कह सकते हैं, 25, और उसमें से कलर कितने होंगे, 6। तो देखिए कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25। उसमें से कलर कितना हुआ, 6 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जाम्पल नंबर 3, 5/6 × 3/4। तो वही सिंपल सा काम है, आप ड्रॉ करते हैं, ये तो आपको मैंने ड्रॉ करना कितनी दफ़ा सिखाया है ना, तो अब तक तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 5 3 कितना होता है, 15। तो 5 × 3 15 एंड 6 × 4 कितना होता है, 24। ठीक है, तो टोटल हमारे पास पार्ट्स कितने होंगे, 24, उसमें से कलर कितने होंगे, 15। तो ये काउंट करें, टोटल पार्ट्स 24 है और कलर पार्ट्स में से 15 होंगे। ठीक है, समझ आ गई अब इन एग्जांपल्स की। तो कह रहे हैं कि जो हमने पीछे एग्जांपल सॉल्व की है उसमें से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस के हो तो हम उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये दोबारा से बताया, 7/8 एंड इंटू 4/5, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40। ठीक है, समझ आ गई है, इजी है ना, तो इसे अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है, अब हमें तो यहाँ पे हमने सिंपल के साथ किया ना, सिंपल फ्रैक्शन गिवन हुआ है, गिवन था तो हमने इसको किया है। अगर मिक्स फ्रैक्शंस गिवन हो तब हम क्या करेंगे, मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन का करवाया ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होना चाहिए ना। तो कह रहे हैं कि अगर मिक्स फ्रैक्शन गिवन हो तो उसमें हम क्या करेंगे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके लिए एक मेथड है। ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल गिवन है। फॉर एग्जांपल, वी वांट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 × 2/5 × 3 × 3/4। ठीक है, यहाँ से एग्जांपल देखते हैं। तो देखें, 4 × 2/5 × 3 × 3/4, अब ये कौन सी फॉर्म में गिवन है, बताया था ना मैंने आपको, इसकी फॉर्म मिक्स फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना होगा। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन की, जैसे हम ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसके लिए क्या करेंगे, वो तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में गिवन होता है उसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो न्यूमरेटर में गिवन होता है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे 5 4 कितना होता है, 20 प्लस 2 तो कितना बन जाएगा, 22। ठीक है, कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें होल नंबर से, 5 4 20 और प्लस करेंगे ये वाली वैल्यू 2, तो 20 + 2 = 22 और नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये बन गए ना सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल सॉल्व की थी। नेक्स्ट देखें, 3 को हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे बताएं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, 4 3 =
12 और प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 15, और डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐसे ही रहेगी सेम, तो 15/4। अब ये बन गई ना वही वैल्यू एग्जांपल जैसे हमने ऊपर पीछे एग्जांपल्स की थी, ठीक है। तो 22 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 4 से। अब यहाँ पे मसला कहाँ आता है, यहाँ पे जब हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू होती है तो उसको मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने ऊपर से इजीली मल्टीप्लाई 7 को 4 से किया, 8 को 5 से किया, पीछे एग्जांपल्स में 5 को 3 से किया, 6 को 4 से किया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। जो एक जैसी आपको चीज़ें दिख रही है न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे, ठीक है। कभी भी आपको ना आप न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से नहीं कर सकते कैंसल आउट, ना ही डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की वैल्यू से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, ठीक है। इन्होंने बताया यहाँ पे शॉर्टकट का क्या बता रही थी मैं आपको थोड़ी देर पहले, कि 22 को 5 से 15 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूमिरेटर की वैल्यूज होती है उसे चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर की किसी वैल्यू से वो कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने ये आपको बताया कि न्यूमिरेटर को कभी भी न्यूमिरेटर से कैंसिल नहीं करेंगे, ना डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल करेंगे, ठीक है। हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से या नीचे वाली को ऊपर वाली से कैंसिल आउट करेंगे। तो आप मुझे देख के बताएं, यहाँ पे 22 5 से कैंसिल आउट होता है, नहीं होता ना। देखें 22 5 के टेबल में नहीं आता, 2 हमारे पास कौन सा है, इवन है, ऑड है, इवन नंबर है, और 5 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो कभी भी ऑड नंबर 5 के टेबल में 22 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें 4 से देखते हैं, 4 से करने की कोशिश करते हैं। देखें 4 और ये 22, तो अब मुझे देख के बताएं, 22 भी 2 के टेबल में आता है, 2 1 2 एंड 2 1 2, और 4 भी 2 के टेबल में आता है, तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। तो देखें कैसे कैंसिल आउट किया उन्होंने, इसको भी 2 से कर दिया, 2 1 2 2 1 2 एंड देन 2 2 4। तो यहाँ क्या बच गया, 22 की जगह 11 और 4 की जगह 2। अब इसको भी कैंसिल आउट करें, 5 और 15 को, 5 1 5 और 5 कितने 15 होते हैं, 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 एंड देन नीचे यहाँ पे क्या बच गया, 1। तो अब आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं कैंसिल आउट, या फिर अलग अलग करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। हमने पहले क्या किया है, 22 और 4 को आपस में कैंसिल आउट करने की कोशिश की, डिवाइड इसको 2 से डिवाइड किया और उसको भी 2 से डिवाइड किया, तो क्या बन जाएगा, 2 1 2 एंड 2 1 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11। 15 को ऐसे ही लिखा रहने दें, देन 4 को भी किया है ना, तो 4 और 22 को आपस में किया है ना, तो 2 2 4 आ जाएगा, तो 4 की जगह 2 आ जाएगा और 5 एज इट इज रहेगा। अब देखें ये दोनों तो दोबारा कैंसिल आउट नहीं हो सकते, 11 और 22। अब हम 15 और 5 को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे, 5 1 5 एंड 5 3 15। तो यहाँ पे 5 की जगह 1 और यहाँ पे इसकी जगह 3 आ जाएगा। अब ये वही फ्रैक्शन आराम से बन गए, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 33 आ जाएगा, एंड देन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, 33/2। और उसको अगर हम इस और में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना मैंने सिखाया था ना, चले डिवाइड करें। यहीं पे आपको डिवाइड करके बताते हैं क्या है 33/2। यहाँ देखें 2 को बाहर और 33 को अंदर, तो 2 1 2 क्या बचा, 3 में से 2 निकालो, 1 और ये 3 नीचे आ गया, 13। 2 कितने से 13 होता है, नहीं होता ना, तो उससे स्मॉल वाली वैल्यू कौन सी होती है, 12। 2 कितने से 12 होता है, 6। तो 2 6 12 क्या बचा नीचे रिमाइंडर में, 1, ठीक है। तो उसको आपको लिखना भी सिखाया था, तो बताएं कैसे लिखेंगे, हाँ जी 16 whole 1/2, ठीक है, 16 whole 1/2। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ गई आपको। तो चलते हैं आप पेज नंबर 45 की तरफ। यहाँ पे पेज नंबर 45 पे एग्जांपल्स के वन है। एग्जांपल नंबर 1 है, 1 whole 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब बताएं मुझे सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले तो आपने इसको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिखाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें एंड 3 ऐड कर दें, 4 1 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा बताएं, 7 7/4। और अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसको तो मल्टीप्लाई करना ईजी है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था।
आई थिंक सेकेंड लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो आप इसके नीचे 1 लिखते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। 7 को 2 से, 4 को 1 से, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 2 14 और 4 1 4, तो 14/4 आ जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो सकता है, हो सकता है ना। 2 2 4, 2 7 14, तो 7/2 हो जाएगा। और इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 7/2 को डिवाइड करें, ये देखें ये 2 और ये 7, चूँकि जैसे 7 होता है नहीं होता ना, तो इससे छोटी वाली वैल्यू 2 3 6 आ जाएगा, 1 बचेगा। उसको कैसे लिखेंगे, 3 होल 1/2, तो ये बन जाएगा 3 होल 1/2, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अब ये दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। 2 होल 1/5 इंटू 1 होल 5/6, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 प्लस 1 कितना बन गया, 11/5, 6 1 6 प्लस 5 कितना बन गया, 11/6, ठीक है। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 11 को 11 से हमने कर दिया और 5 को 6 से कर दिया, 11 11 ज़ा 121, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 11 11 ज़ा कितना होता है, 121, और 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको भी आगे डिवाइड कर दें, डिवाइड करना अब भी मैंने आपको बताया है, तो करें डिवाइड जल्दी से। किस तरह से होगा, 121 अंदर और बाहर क्या रह जाएगा, 30, तो करें जल्दी से। 30 कितने ज़्यादा, 12 होता है, नहीं होता ना, 12 तो छोटी वैल्यू है, तो हम फिर ये तीनों वैल्यूज़ लेंगे, तो 30 कितने ज़्यादा, 121 होता है, जल्दी से करके बताएं मुझे, 30 कितने ज़्यादा, 121 होता है। 30 को अगर हम करें 3 से, तो 3 0 0 3 3 9 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो स्मॉल वैल्यू है। अगर हम उसको 4 से करने की कोशिश करें, तो 4 0 0 4 3 12, तो ये 4 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 120, ठीक है। और इसमें से क्या बचेगा, 1, तो इसको लिखेंगे कैसे, 4 होल 1/30, तो ये हो जाएगा 4 होल 1/30, ठीक है। यहाँ तक आपको एग्जांपल समझ आ गई है, तो आज का लेक्चर ये वाला हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जो एग्जांपल मैंने आपको समझाई है और जो काम दिया है वो आपने मुझे चेक करवाया, मुझे तो आपने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये वाला लेक्चर जो मैं आपको दे रही हूँ, मुझे इसका भी और जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको दिया है उसमें भी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो आपने मुझे लाजमी करके चेक करवानी है, इंशाल्लाह थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे को रात 12 बजे से पहले पहले, हम यानी कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पहले आपने मुझे ये एग्जांपल्स करके दिखानी है, ठीक है। चलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।